देश के चेहरे की उदासी को दूर करने के लिए आए हुए आप सभी भाइयों बहनों को स्वराज अभियान के वॉलंटियर के रूप में प्रणाम करने का ये गौरवपूर्ण क्षण मिला है। इसका सपना हमने आज से 15 महीने पहले आप ही पर यकीन करके गुड़गांव के सम्मेलन में देखा था। उस समय कुछ साथियों ने कहा था कि देर किस बात की है, लोहा गर्म है, तकरार हुई है, धोखा हुआ है, आप एक नई पार्टी बना लो, हम हैं यहां पर। हमारे दो तिहाई मित्रों ने कहा कि हम तो यहां पर हैं लेकिन बहुत बड़ा हिंदुस्तान है, उस हिंदुस्तान से भी तो बात करो, उससे भी तो पूछो। 4,500 से ज्यादा राजनीतिक दल चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड हैं, एक और बन जाएगा तो उससे क्या बनेगा, क्या बिगड़ेगा, इसका भी तो कुछ हालचाल समझ लो। इतना बड़ा देश है, उसको धीरे धीरे सूबों की राजधानियों में समेट दिया गया। इतने सारे सूबे हैं, उनकी सारी कहानी दिल्ली के गोलघर में 543 लोकसभा और 250 के आसपास राज्यसभा के लोगों के बीच में समेट दी गई और फिर सारी समझदारी, पूरी सभ्यता की विरासत और पूरे हिंदुस्तान की जिम्मेदारी और उसके आगे चलने के रास्ते को तय करने का अधिकार एक मुट्ठी भर लोगों की तथाकथित कैबिनेट को दे दिया गया। आज पूरे देश में एक भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो ये बताने को तैयार नहीं है कि उसका खर्चा कहां से चलता है। एक भी मंत्री ऐसा नहीं है जो ये बता सके कि भारतीय संविधान में जो कसम उसको दी है उसको लेकर के अगर कभी चुनना पड़ा देश और दल के बीच में तो वो किसको चुनेगा। लेकिन जवाब हमको मालूम है, वो देश को नहीं चुनते, वो दल को चुनते हैं। दल और परिवार में जब चुनना पड़ता है तो परिवार को चुनते हैं और इससे देश की राजनीति, जिससे स्वतंत्रता की रोशनी फैली थी, आजादी का सूरज चमका था, आज हिंदुस्तान की राजनीति से देश में अंधेरा फैल रहा है, उदासी फैल रही है, नाराजगी फैल रही है, घबराहट फैल रही है। ये जो 2 साल से नई राजनीति आई है, ये तब 1 साल की बच्ची थी। नई सरकार, अच्छे दिन का वादा अभी भी कभी कभी सुनाई पड़ता था। ऐसे में गुड़गांव में इकट्ठा स्वराज संकल्प के लोगों ने तय किया कि देश का संवाद सुनो, देश से संवाद करो। आपने 1.25 साल में जो काम किया है वो इस हॉल में मौजूद है। अभी इसके आयोजकों ने मुझसे कहा कि कुर्सियां कम पड़ जाएंगी, इनमें से एक भी आदमी औरत को किराया देके नहीं बुलाया गया है, इसमें से एक भी आदमी और औरत अपनी जात और बिरादरी को मजबूत करने के लिए यहां नहीं आई है, इसमें से एक भी आदमी और औरत इस सम्मेलन में आकर के टिकट लेकर के जाने के लिए नहीं आया है, पद लेके जाने के लिए नहीं आया है। ये दीवानों की मजलिस है जो देश को बनाना चाहते हैं और अभी ये मजलिस बड़ी होने वाली है। मैं अपने आयोजक मित्र से कह रहा था कि अभी तो ये शुरुआत है, आपने तो जनवरी से सदस्यता अभियान शुरू किया, मार्च तक उसको पूरा करना था क्योंकि फिर उसके बाद चुनाव करना था। अगर आपने ठीक से काम को बढ़ाया, ये तो दूसरा सम्मेलन है। पहले सम्मेलन में 4,500 लोग आए थे लेकिन उनका अता पता कुछ ज्यादा नहीं था कि वो कौन थे कौन नहीं थे। यहां तो जितने लोग आए हैं
एक एक आदमी और औरत स्वराज अभियान का सदस्य है और अपनी अपनी जिला कमेटी से चुना गया है, अपनी अपनी राज्य समिति से चुना गया है और 40-50 लोग तो राष्ट्रीय कमेटी में भी चुने गए। ये सब जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने अपनी गर्दन आगे बढ़ा दी है। अब वो गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास नहीं है। सारी पार्टियां एक तरफ और स्वराज अभियान दूसरी तरफ। यहां जो लोग बैठे हैं ये स्वराज अभियान के साथ जुड़े हैं और अभी स्वराज अभियान 15 महीने चला और ये कारवां ऐसा बन गया। अब इस स्वराज अभियान को अगले 15 दिन का सोचना है, 15 महीने का सोचना है, 15 साल का सोचना है, 1500 साल का भी हमी को सोचना है, क्योंकि ये सोच नहीं रहे हैं। ज्यादातर लोग सोच रहे हैं कि अगले चुनाव में कैसे तिकड़म भिड़ा करके अपनी पार्टी का टिकट पा जाएं, हिंदू मुस्लिम ब्राह्मण दलित करके अपनी पार्टी का वोट बनाएं, उल्टे सीधे लोगों को जोड़ करके अपनी पार्टी का फंड बढ़ाएं। कोई नहीं सोच रहा है कि सूखे पर सूखा पड़ रहा है, किसान के घर में मां की आंख में आंसू पड़ रहे हैं, सुबह उठता है तो भूखी गाय देखती है, घर में आता है तो बच्चा बच्ची पूछते हैं और वो आसमान की तरफ देखता है, फिर वो सुल्तान की तरफ देखता है, कहीं से कोई आवाज नहीं आती, तब तक एक समूह आ जाता है उनके बीच में पदयात्रा करता हुआ। सूखे के बारे में आपकी तकलीफ को समझने के लिए आप पूछते हैं, भैया तुम कौन, तुम एमएलए हो? नहीं जी हम तो एमएलए नहीं है। तो एमपी तो होगे? नहीं भाई एमपी भी नहीं है। तो किसी बड़ी पार्टी के नेता होगे? कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, सपा के हो, बसपा के हो, डीएमके के हो, अन्ना डीएमके के हो, जनता के हो? नहीं जी हमको कुछ भी नहीं है। तो फिर तुम कौन हो, क्यों चले आए यहां पर? हम उस विरासत के हैं जिसमें जब भूकंप आता है तो गांधी दौड़ा बिहार जाता है। हम उस विरासत के हैं कि जब सूखा पड़ता है तो महाराष्ट्र से लेकर के असम तक जयप्रकाश काम करते हैं। हम उस विरासत के हैं और हमारा नाम है जय किसान आंदोलन, हमारा नाम है स्वराज अभियान और हम आपके दुख पर बोलना चाहते हैं। लोगों को यकीन नहीं था, क्या करोगे भैया? बहुत से एनजीओ लोग आते हैं, फोटो खिंचाते हैं, दुनिया की पंचायत में जमा करते हैं, फंड आता है और फंड फिर कहां चला जाता है और वो भी कहां चले जाते हैं? भाई हमको तुम पर भरोसा नहीं है। हमारे लोगों ने कहा कि हम आपके दरवाजे से जो पुकार सुन करके जाएंगे उसको देश को तो बताएंगे ही, मीडिया को बुलाएंगे ही, हम देश की सरकार, और अगर सरकार ने नहीं सुना तो देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय तक दरवाजा खटखटाएंगे और सरकारों को वहां पर मुजरिम बना के पेश करेंगे। और क्या हुआ? भरोसा नहीं था। कहा भाई बड़ी बड़ी बात करना तो हम हिंदुस्तानियों की आदत है, कुर्ता पजामा पहन ले तो और ज्यादा बोलते हैं। जाओ भैया पानी थोड़ा है, गुड़ थोड़ा है, पी लो, सुन लो हमारी बात रजिस्टर में, हो सके तो कुछ करना, नहीं तो जब ऊपर वाला ही नाराज हो गया तो नीचे वाला क्या करेगा। तब तक देश भर में एक बिजली की तरह से खबर दौड़ गई कि कोई संगठन है स्वराज अभियान जिसने दरखास्त की है सर्वोच्च न्यायालय के सामने। और दरखास्त किस बात के लिए की है? किसी नेता के खिलाफ नहीं था, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं था, जनता की तकलीफ को दूर करने के लिए हुकूमत का जो फर्ज बनता है चाहे जिस पार्टी की सरकार हो उसके लिए था। भाई प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव और अविक साहा और वहां से लेकर के अनाम सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मदद से जो दस्तावेज इकट्ठा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में घंटों की बहस हुई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 12 राज्यों को नोटिस जारी किया सूखे का सवाल। और खाली हम अदालत में जाके घर नहीं लौट गए, हमने फिर देश की जवानी का आह्वान किया कि सरकार निकम्मी है लेकिन, सरकार निकम्मी है लेकिन ये देश हमारा अपना है, इसकी तस्वीर बदलने को
इसकी तस्वीर बदलने को लाखों आंखों में सपना है। और तब हमने हिंदुस्तान की जवानी का आह्वान किया कि जब सूखा पड़ा है तो तुम्हारी भी जिम्मेदारी बनती है। कुछ लोगों ने कहा आज के लड़के ये 20-25 साल वाले इसमें परेशान होते हैं कि अगली फिल्म कौन सी आ रही है, अगला गाना पर नाचने का मौका कहां मिलेगा। मेरे बाल सलमान खान जैसे हैं कि शाहरुख खान जैसे हैं, मेरी चुनरी कैटरीना कैफ जैसी है कि आलिया भट्ट जैसी है, ये किसी काम के नहीं है, बिगड़ गए हैं। हमने कहा, स्वराज अभियान ने कहा कि जिस देश को अपनी जवानी पर भरोसा नहीं है उसको अपने भविष्य पर भरोसा नहीं। उनको मौका तो देके देखो, एक अपील निकाली गई ड्राउट ड्यूटी की, और आपको यकीन नहीं आएगा, आपको भरोसा नहीं होगा अगर आप उन गांव के नहीं हैं, उन परिवारों के नहीं हैं जहां पर ड्राउट ड्यूटी का काम हुआ। 150 लड़के और लड़कियां स्वराज अभियान के आवाहन पर इकट्ठा हुए, अपना घर छोड़ा, अपना आराम छोड़ा और जाकर के गरीबों के साथ खड़े हो गए। कलेक्टर से कहा, एमएलए से कहा, मिनिस्टर से कहा कि तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि हिंदुस्तान के संविधान के आदेशों के उल्लंघन करो। सूखा पड़ा है वहां राहत पहुंचाओ, चारा पहुंचाओ, दाल पहुंचाओ, तेल पहुंचाओ, अंडा पहुंचाओ, दूध पहुंचाओ, नहीं तो तुम्हारी खाट खड़ी कर देंगे। 150 नौजवान साथियों, ये वैकल्पिक राजनीति का एक बड़ा चेहरा है। 65% हिंदुस्तान खाली वोट के लिए रजिस्टर में लिखा हुआ है, वोट लेने के बाद हिंदुस्तान के किसान के लिए बजट में पैसा घटता जा रहा है, हिंदुस्तान के गांव के लिए बजट में पैसा घटता जा रहा है, गांव की औरत को कोई पूछता नहीं है और गांव के जवानों को तो लफंगा कह करके अलग से किनारे कर दिया गया है। अगर वो गुस्से में नारा लगाता है तो उसको आतंकवादी कहते हैं, अगर उस गुस्से में वो ढेला चलाता है तो उसको अलगाववादी कहते हैं, लेकिन वो भारतवादी हैं। तुम सत्तावादी हो, तुमसे टकरा रहा है हिंदुस्तान का नौजवान और किसान, और तुम देख नहीं पा रहे हो। स्वराज अभियान ने इस बात को देखा है। ऐसे ही आपने स्वराज अभियान के संकल्प में ये कहा कि इस समय जो समस्या है वो आज की तो है ही, कल की भी है। कल मतलब हमारे बच्चों की पढ़ाई और पढ़ने के बाद रोजगार। अगड़ी जात के लड़के और बूढ़े समझते हैं कि आज के हिंदुस्तान में सारा रोजगार आरक्षण के चक्कर में खत्म हो गया, हमारे बच्चों को नहीं मिलता, उनको मिलता है जिनको आरक्षण मिलता है। इससे ज्यादा झूठा प्रचार हो नहीं सकता। आरक्षण विरोधी ताकतें हिंदुस्तान की